हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एकताज आई कॉर्नर। एंड गाइस, आई एम एकता गर्ग जो आपको सिखाने वाली हूँ इस चैनल पे बहुत ही अमेजिंग आर्ट एंड क्राफ्ट। एंड गाइस, आज हम आए हैं फिर से एक और न्यू आइडिया लेकर, और आज हम कुछ बनाने वाले हैं इस सीरीज से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वॉल हैंगिंग्स। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरी वीडियो अभी जो लेटेस्ट आई डूडल फॉर गूगल की नहीं देखी तो देख लो, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे एनरोल करना है, क्या लास्ट डेट है, सारी इन्फॉर्मेशन फिर से एक बार आपसे की है शेयर और भी अच्छे तरीके से। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से कर लो चेकआउट, और मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बनाते हैं कुछ चमत्कार सीढ़ी से, लेट्स गो। तो गाइस, हमें ना सबसे पहले यहाँ पे लेना है एक कार्डबोर्ड, कैसा भी कार्डबोर्ड ले सकते हैं, थिक थिन कैसा भी, अगर थिक होगा तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर यहाँ पे ना क्या करना है कि मैं इस कार्डबोर्ड पे ड्रॉ कर लूँगी एक क्यूट सा मून, क्योंकि यहाँ पे ना हम जो सीढ़ी से अपना फर्स्ट आर्ट वर्क बनाने वाले हैं वो होगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मून, जिसको हम हैंग करेंगे हमारी वॉल पे। तो यहाँ पर ना इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है मून, और ये ना आप ट्रेस भी कर सकते हो, ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ भी कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि मून बनाओ, कोई और शेप भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, स्टार भी बना सकते हैं। तो अब मैंने इस मून की शेप को कर लिया है यहाँ पे कट कुछ इस तरीके से, और बस इस तरीके से कट होने के बाद ना ब्लैक एक्रेलिक पेंट को लेकर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगी इस पूरे हमारे मून पे ब्लैक एक्रेलिक पेंट करना। तो बस इसी तरीके से ब्रश से हमें करते जाना है पूरे मून पर इस तरीके से ब्लैक एक्रेलिक पेंट, क्योंकि तब जो ब्लैक के ऊपर हम लगाएंगे ना सीढ़ी, जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसमें आ जाएगा बिल्कुल मज़ा। तो बस इसी तरीके से ना पूरे मून पे हमें कर देना है ब्लैक कलर, और ये प्रोसेस तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसे बनाने में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो अब हमारा जो ब्लैक कलर है वो हो चुका है डन। तो अब ये है मेरे पास ये कुछ सीढ़ी जिनको हम करने वाले हैं कट। तो इस तरीके से ना ये जो सीढ़ी है उसको ना मैं छोटे छोटे पीसेज में यहाँ पे कट कर लूँगी, बहुत सारे पीसेज हमें कट करने हैं और ये बहुत ज़्यादा ईजिली कट हो जाएंगे और एक शार्प सीजर से। तो यहाँ पर ना इस तरीके से बस मैंने इनको तोड़ने का ट्राई किया, बट ये नहीं टूटी, तो फिर यार ये वाला तो हैक फेल हो गया। तो फिर सीडी वाला ये जो हैक है ना, इसको बस सीजर से ही कट कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से ना बहुत सारे पीसेस कट करने स्टार्ट कर दिए मैंने यहाँ पर, और एक सीडी नहीं, यहाँ पर मैंने एटलीस्ट कट की है दो सीडी, हाँ, क्योंकि इस पूरे मून पर ना दो सीडी आई थी। तो फटाफट से सारी सीडी को कट करने के बाद ना यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे कुछ और सीडी में कट कर रही हूँ, ताकि जो हमारे पीसेज है ना एट द एंड वो कम नहीं पड़ने चाहिए। यार ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज़ कम नहीं पड़ने चाहिए बिल्कुल ही। तो बहुत सारे पीसेज को कट करने के बाद ये बहुत ज़्यादा ना अच्छे लगे, जैसे मिरर हो, जैसे मार्केट से मिरर लेके आते हैं ना, वो वाली लुक आई थी मुझे तो बिल्कुल यहाँ पर। और फिर ना मैंने यहाँ पे क्या किया, फेविकॉल की हेल्प से ना फटाफट से स्टार्ट कर दिया ना पेस्ट करना। पहले मैंने देखा कि कौन सा यहाँ पर ना सबसे ऊपर जो साइज़ है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से फिट होगा, फिर जब मैंने वो साइज़ चूज़ कर लिया उसके बाद थोड़ा सा लगाया फेविकॉल अच्छे तरीके से, और उसके बाद ये जो था ना हमारा सीडी का एक पीस जो अब लग रहा है मिरर जैसा, उसको यहाँ पे ना पेस्ट करना मैंने कर दिया शुरू। और इसी तरीके सारे पीसेज जो मुझे लग रहा है कि हाँ वो ठीक साइज़ यहाँ पर उनके चूज़ करके ना मैंने यहाँ पर उनको स्टार्ट कर दिया है फिक्स करना, और इस प्रोसेस को करने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है अभी तक। तो मैं यहाँ पे ना इन पीसेस को पेस्ट कर रही हूँ, आपको भी करना है यहाँ पे इसी मेथड का यूज़ करते हुए पेस्ट, और फेविकॉल से पेस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरीके से पेस्ट हो रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं बिल्कुल भी, ये ना बाद में हटेंगे नहीं। तो बस इसी तरह से साइजेस चेक करके बार बार ना यहाँ पे मुझे चेक करने पड़ रहे हैं साइजेस की, कौन सा साइज़ जो है ऊपर नीचे ना हो जाए, प्रॉपर अच्छी तरीके से इस पर ना सूट करें मून पे। तो प्रॉपर साइज़ चूज़ करने के बाद ना फिर से लगाती हूँ मैं फेविकॉल, और फिर से मैंने लगाया यहाँ पे एक और पीस हमारा सीडी का, जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, बहुत सारी लाइट्स इसमें जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ये पीसेस। तो बस इसी तरीके से पूरा प्रोसेस को हमें इसी तरीके से करते जाना है, बस यहाँ पर इसी तरीके से पेस्ट करते जाना है ये जो मून का जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, और यहाँ पर तो करने में ना मज़ा आ रहा है पूरा, और जब ये फाइनल हो जाएगा ना मैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी वॉल पर हैंग करने के लिए, और मैं दिखाऊँगी भी आपको कि ये वॉल पर हैंग होके ना किस तरीके से इसका लुक आने वाला है। तो बस ये ना सारे पीसेस को करने के बाद हो जाएगा रेडी, एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है, बस जो कुछ लास्ट के पीसेस बचे हैं ना, मुझे लग रहा था कि उनमें ना यहाँ पे फिट नहीं आया, तो मैंने ना फिर से कुछ और छोटे पीसेस
कट कर लिया। फिर उन पीसेस को कट करने के बाद मैंने यहाँ पे कर लिया इसी तरीके से पेस्ट। एंड आर मून इज रेडी गाइस। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मून कैसा लगा है। और अब दूसरे आर्टवर्क की तरफ चलते हैं जहाँ पे ना हम ना पेंट करने वाले हैं सीढ़ी पे। तो सिंपल सीढ़ी लेकर यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया पेंटिंग करना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक्रेलिक पेंट। तो स्काई ब्लू एक्रेलिक पेंट लेकर उसको यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर दिया बिल्कुल सिंपल टेक्निक से। फ्लैट ब्रश लेकर यहाँ पे कर लिया है पेंट हमारी सीढ़ी पे कुछ इस तरीके से। और एक कोट अप्लाई किया था तो उससे इतनी ज़्यादा कवरेज मुझे नहीं दिख रही थी। तो फिर मैंने क्या किया यहाँ पे फॉर्म लेके, तो फॉर्म पे थोड़ा सा कलर अप्लाई किया और फिर अप्लाई करने के बाद सीढ़ी पे इस तरीके से मैंने यहाँ पर टेक्निक का यूज़ करते हुए ना यहाँ पर इस तरीके से ना ऐसे ऐसे छपे 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 ऐसे ऐसे कर दिया। तो बस इसी तरीके से सारा स्काई ब्लू हो जाएगा डन। और इसके ड्राई होने के बाद ना यहाँ पर हम बनाने वाले हैं एक क्यूट सा रेनबो, जिसके लिए यहाँ पे मैंने यूज किया एक पर्पल कलर का एक्रेलिक पेंट है ये सभी। तो बस इसी पर्पल कलर का यूज करते हुए और यूज किया है यहाँ पे हमने ये राउंड ब्रश। और इस तरीके से फर्स्ट लेयर हो गई है कम्प्लीट। अपना दूसरा अपना कलर लेकर ना उससे भी सेम टेक्निक का यूज करेंगे और एक और लेयर को कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ पे हमारे क्यूट से रेनबो वो मेरा मैं ऐड कर रही हूँ दूसरी लेयर। और इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लाइट पिंक कलर, एक पेस्टल पिंक कलर जिसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और बस इसी तरीके से जैसे पर्पल कलर किया था इसी तरीके से हमें कर लेना है पिंक कलर। और जिस जो भी कलर की आपको रेनबो पसंद है, क्या जरूरी थोड़ी ना जैसे आसमान में होता है वैसे बनाना है, बिल्कुल अपनी इमेजिनेशन भी तो होती है ना कुछ चीज, तो अपनी इमेजिनेशन करके बनाओ, बस अच्छा लगना चाहिए हमें, सिर्फ इस बात से मतलब है। तो फिर अब मैंने ना यहाँ पे यूज किया है रेड कलर और फिर पहले हो गया पर्पल, फिर हो गया पिंक और अब हो गया रेड। तो अब हम ना रेड से करेंगे ये पूरा रेनबो और फिर उसके बाद दो तीन लेयर ना और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे रेड से भी हो गया है ये डन। और यहाँ पे ना नेक्स्ट लेयर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ येलो की, मैंने ऐड कर दी। और लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे ब्लू कलर की, जो है हमारी लास्ट लेयर रहेगी ये। बस उसके बाद इतना बड़ा रेनबो नहीं बनाना है, इनफ है ये, इतना ही क्यूट लग रहा है। तो बस उसके बाद ये वाली हो गई चीज़ कम्प्लीट। और अब मैं ना यहाँ पे ना कुछ लिखने वाली हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ व्हाइट एक्रेलिक पेंट का यूज करके। बताऊंगी नहीं क्या लिख रही हूँ, देखो देखो पूरा पढ़ो रीड करो। तो चलो मैं बता ही देती हूँ कि यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ चूज, पहले चूज लिखा है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी जॉय। और बस इसी तरीके से ना मैंने यहाँ पर व्हाइट एक्रेलिक पेंट का यूज करके लिख लिया है चूज जॉय। और बस हमारा ये वाला आर्ट पीस हो जाएगा रेडी। लास्ट में मैंने एक वार्निश की कोट कर दी थी ताकि ये जो हमारा आर्ट वर्क है ना ये खराब ना हो कभी भी, जो इसका कलर है ना वो बिल्कुल भी जाए नहीं, बिल्कुल भी खराब ना हो और ये इजिली अच्छी तरीके से सेफ रहे हमारी वॉल पे। एंड या गाइस, दिस इज हाउ आवर फाइनल आर्ट वर्क इज लुकिंग लाइक। तो अभी मैं ना आपको ये वॉल पे हैंग करके दिखा देती हूँ कैसे लगने वाले हैं।